हेलो फूड लवर्स, मैं अंजलि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हमारी आज की रेसिपी है ड्राई फ्रूट इडली केक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस केक में ड्राई फ्रूट होगा और इस रेसिपी की खासियत यह है कि यह केक इडली शेप में होगा। हम इडली स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे ड्राई फ्रूट इडली केक केवल 15 मिनट में। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, केक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट। मैंने इसी बॉल से मेजरमेंट किया है। 1 बॉल मैदा ऑल पर्पज फ्लोर, 1/4 बॉल मिल्क पाउडर, 1/4 बॉल मिल्क, 1/2 बॉल शुगर पाउडर, 1/4 बॉल ऑयल, 1/2 बॉल कर्ड, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, चॉप्ड ड्राई फ्रूट टूटी फूटी। सबसे पहले हम केक का बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें 1/2 बॉल कर्ड, 1/2 बॉल शुगर पाउडर, 1/4 बॉल ऑयल। अब हम ये तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये तीनों एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाए। ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। वन बॉल मैदा, 1/4 बॉल मिल्क पाउडर, मैंने नेस्ले कंपनी का मिल्क पाउडर यूज किया है, आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम सबको सीव कर लेते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून विनेगर। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करेंगे। हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बैटर इस फॉर्म में रहेगा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, मैं 1/4 टीस्पून मैदा ले रही हूँ, इसमें ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे केक में डालने से बेस में ड्राई फ्रूट नहीं बैठेंगे। और साथ में टूटी फूटी डाल लेते हैं। हम इस सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा बैटर मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। इडली मोल्ड को लाते हैं। अब इडली मोल्ड में हम अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे चारों तरफ। अब हम बैटर को मोल्ड में डाल देंगे। इसे हम टैप कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। अब हमारा मोल्ड रेडी हो गया है इडली स्टैंड में जाने के लिए। इडली मोल्ड में नमक डाल के मैंने 10 मिनट प्रीहीट किया है। अब हम इसमें केक बेस को डाल लेते हैं। इसे हम 15 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। 12 से 15 मिनट हो गया है, अब हम इसका कवर हटा के देखते हैं। अब हम इसमें टूथपिक से चेक करते हैं कि अच्छी तरह से ये बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए, टूथपिक पूरा क्लियर हो आया है, इससे पता चलता है कि ये बेक अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। मेरा ड्राई फ्रूट इडली केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं। नाइफ की सहायता से चारों तरफ इस तरह से कर लेंगे। देखिए ये कितना अच्छा से बेक हो गया है दोनों तरफ, और ये कितना फ्लफी बना है आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह से सारा हम इडली केक को निकाल लेते हैं। हमारा सारा ड्राई फ्रूट इडली केक रेडी हो गया है। इसे
इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए यह कितना स्पंजी हुआ है, आप देखिए इस तरह से। यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी है, यह बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिए गए लिंक पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा।